बौद्धिक और वैचारिक क्षमता के धनी विपिन चंद्र पाल भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। विपिन चंद्र पाल एक महान राष्ट्रवादी थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता रूपी पवित्र कार्य के लिए वीरतापूर्वक संघर्ष किया। वे एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, आदर्शवादी और सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। उन्होंने भारत की आजादी के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने मजबूत प्रयासों और इरादों से देश में अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला देने का काम किया था। वो देश में स्वदेशी आंदोलन के सूत्रधार और उसके अग्रणी महानायकों में से एक थे। क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल देश के उन महान विभूतियों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की मजबूत बुनियाद रखने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे बंगाल पुनर्जागरण के मुख्य वास्तुकार भी थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विपिन चंद्र पाल का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल उस लाल बाल पाल तिकड़ी के हिस्सा थे जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। विपिन चंद्र पाल एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी ख्याति राजनीतिज्ञ, पत्रकार, शिक्षक और मशहूर वक्ता के रूप में पूरी दुनिया में फैली थी। विपिन चंद्र पाल ने देश की आजादी के लिए काफी संघर्ष किया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की बुनियाद की नींव रखने में विपिन चंद्र पाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से प्रभावशाली नेताओं के साथ काम किया। विपिन चंद्र पाल ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोगों में नई चेतना का संचार किया और इसके लिए आम जन को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विपिन चंद्र पाल का मानना था कि नरम दल के हथियार प्रेयर पिटीशन से स्वराज नहीं मिलने वाला है। उनका कहना था कि स्वराज हासिल करने के लिए विदेशी हुकूमत पर करारा प्रहार करना होगा। उनकी इसी विचारधारा की वजह से उन्हें स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है। विपिन चंद्र पाल का जब जन्म हुआ उस वक्त पूरा भारत अंग्रेजों के अत्याचार से त्रस्त था। महान क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को अविभाजित भारत के हबीबगंज जिले में पोइल गांव में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। वे एक समृद्ध और संपन्न हिंदू वैष्णव परिवार में जन्मे थे। उनके पिता का नाम रामचंद्र पाल था। वे फारसी के विद्वान और छोटे जमींदार थे। विपिन चंद्र पाल की माता का नाम नारायणी देवी था। बहुत ही छोटी आयु में विपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए। ब्रह्म समाज के अन्य सदस्यों की तरह विपिन चंद्र पाल भी सामाजिक बुराइयों और रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करने लगे। वे बचपन से ही जातिगत भेदभाव के विरोध में थे। 14 वर्ष की अल्प आयु में ही विपिन चंद्र पाल जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने लगे। उनका विरोध सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं था, उनके आचरण में यह स्पष्ट रूप से साफ दिखाई देता था। यही नहीं, उन्होंने एक विधवा स्त्री से विवाह किया। उस समय विधवा स्त्री से विवाह करना भारतीय परंपरा के खिलाफ था और ये भारतीय समाज में स्वीकार नहीं किया जाता था। इस वजह से उन्हें अपने परिवार वालों के साथ भी अपने रिश्ते तोड़ने पड़े थे। विपिन चंद्र पाल शुरू से ही अपने फैसले पर अडिग रहने वाले थे, इसीलिए उन्होंने पारिवारिक और सामाजिक दबाव के बावजूद विधवा स्त्री से विवाह के मसले पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक दूसरी कुरीतियों के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधारों के साथ ही महिलाओं की दशा सुधारने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण काम किए। विपिन चंद्र पाल ने जीवन में सिद्धांतों और आदर्श को सर्वोपरि माना था। विपिन चंद्र पाल ने उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन कुछ वजहों से उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी। वे 1879 में एक स्कूल में पढ़ाने का काम करने लगे।
उन्हें पढ़ने लिखने का शौक था। उन्हें कलकत्ता के सार्वजनिक पुस्तकालय में लाइब्रेरियन के रूप में भी काम मिला। यहीं उनकी मुलाकात शिवनाथ शास्त्री, एसएन बैनर्जी और बीके गोस्वामी जैसे नेताओं से हुई। इन लोगों का विपिन चंद्र के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इन लोगों की वजह से वे सक्रिय रूप से राजनीति में आने के लिए काफी प्रभावित हुए और इसके बाद वे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष के संपर्क में आकर उनकी उग्रवादी और राष्ट्रवादी देशभक्ति से काफी प्रेरित हुए। इन सभी राजनेताओं से अत्यधिक प्रभावित और प्रेरित होकर विपिन चंद्र पाल ने अपने को स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित करने का निश्चय किया। अंग्रेजों की दमनकारी नीति और निरंकुश शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के मकसद से विपिन चंद्र पाल ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने साल 1887 में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में आर्म्स एक्ट की कठोर निंदा की। वे तुलनात्मक विचारधारा का अध्ययन करने के लिए 1898 में इंग्लैंड भी गए। एक वर्ष की अवधि बिताकर वे भारत वापस लौटे और उस समय से उन्होंने स्थानीय लोगों को स्वराज के विचार से परिचित कराना शुरू कर दिया। विपिन चंद्र पाल स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख शिल्पकारों में से एक थे। वे देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वदेशी और स्वराज की सरल परिभाषा पेश करते हुए देश की स्वतंत्रता का रास्ता तैयार किया। 1898 में विपिन चंद्र पाल धर्मशास्त्र की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे। हालांकि एक साल बाद ही वहां से भारत वापस लौट आए और अन्य नेताओं के साथ उन्होंने लोगों में स्वराज की भावना को विकसित किया। स्वतंत्रता सेनानी विपिन चंद्र पाल ने 1905 में बंगाल के विभाजन में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई। बंगाल विभाजन के खिलाफ उनका संघर्ष अविस्मरणीय है। इस दौरान उन्होंने कई सभाओं को संबोधित किया और विदेशी वस्तुओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। विदेशी वस्तुओं का पूरी तरह बहिष्कार किया। उस समय जब पूरा भारत अंग्रेजों के अत्याचारों से त्रस्त था, विपिन चंद्र पाल हर हाल में अंग्रेजों से भारत को मुक्ति दिलाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए रूपरेखा तैयार की। हम सब बचपन से ही आजादी की लड़ाई में एक टिकड़ी का नाम सुनते आए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाल बाल पाल की। लाल से तात्पर्य है लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी विपिन चंद्र पाल। आजादी की लड़ाई में गरम दल के लाल बाल पाल की मशहूर टिकड़ी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इन सभी महान क्रांतिकारियों के नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं। इन तीनों का ही मानना था कि साहस, स्वयं सहायता और आत्म बलिदान के जरिए ही स्वराज के विचार या पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता को पाया जा सकता है। पहली बार स्वराज का लिखित प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, लेकिन स्वराज को जन आंदोलन लाल बाल पाल ने ही बनाया। इन तीनों ने पूर्व समय से चली आ रही अनुनय विनय की नीति का विरोध किया और ब्रिटिश सरकार से स्पष्ट रूप से पूर्ण स्वराज्य या राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की। गांधी जी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उतरने से पहले 1905 के बंगाल विभाजन के समय ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के खिलाफ पहले लोकप्रिय जन आंदोलन को शुरू करने का श्रेय इन्हीं तीनों यानी लाल बाल पाल को जाता है। इन तीनों लोगों ने ब्रिटिश शासकों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए कठोर उपाय अपनाए। विपिन चंद्र पाल ने विचार दिया, विदेशी उत्पादों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, इसीलिए विदेशी चीजों का बहिष्कार करें और स्वदेशी चीजों का उपयोग करें। अपने गर्म विचारों के लिए मशहूर विपिन चंद्र पाल ने लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर देश में स्वदेशी आंदोलन को भरपूर बढ़ावा दिया। ब्रिटेन में तैयार सभी वस्तुओं का बहिष्कार भारतीयों से करवाया। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक रूप से होली जलवाई। औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल तालाबंदी से ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी।
भारत में उनकी सत्ता को हिलाकर अंग्रेजों को जबरदस्त चुनौती दी। 1907 में अपनी पत्रिका वंदे मातरम के माध्यम से अंग्रेजी विरोधी जनमत तैयार किया। इसके चलते उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन रिहा होते ही उन्होंने अपना आंदोलन और तेज कर दिया। 1907 में जब बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया तो उस समय विपिन चंद्रपाल इंग्लैंड चले गए और वहां जाकर इंडिया हाउस के साथ जुड़ गए। वहां उन्होंने 1908 में स्वराज नामक पत्रिका की स्थापना की। इस पत्रिका के जरिए उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। मदनलाल ढींगरा ने जब करजन वायली की हत्या की तब स्वराज के प्रकाशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी वजह से विपिन चंद्रपाल को मानसिक और आर्थिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना के बाद कुछ समय के लिए उन्होंने अपने उग्रवादी और राष्ट्रवादी क्रियाकलापों को विराम दे दिया। उन्होंने मनुष्य के सामाजिक और मानसिक विकास के प्रति ध्यान देना शुरू किया। विपिन चंद्रपाल का सोचना था कि विभिन्न राष्ट्रों में एक दूसरे के प्रति सद्भावना का विकास तभी संभव है जब लोगों में सामाजिक विकास को बल दिया जाए। स्वराज पत्रिका पर प्रतिबंध लगने पर विपिन चंद्रपाल भारत लौट आए। भारत लौटकर उन्होंने हिंदू रिव्यू पत्र की शुरुआत की। बाद में विपिन चंद्रपाल चरमपंथी चरण और राष्ट्रवाद से दूर चले गए। स्वराज का मुद्दा उठाने वाले विपिन चंद्रपाल महात्मा गांधी के विचारों की आलोचना करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसी वजह से विपिन चंद्रपाल ने असहयोग आंदोलन का भी विरोध किया। गांधी जी को लेकर उनकी आलोचना की शुरुआत गांधी जी के 1915 में भारत आगमन से ही हो गई थी। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में भी ये विरोध साफ तौर पर तब महसूस किया गया था। उस वक्त विपिन चंद्रपाल ने अपने भाषणों के दौरान गांधी जी की तार्किक नीति के बजाय जादुई विचारों की आलोचना की थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कलकत्ता में रहते हुए विपिन चंद्रपाल ने खुद को राजनीति से अलग कर लिया था। विपिन चंद्रपाल ने लोगों के बीच सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने के लिए कई लेख भी लिखे। विपिन चंद्रपाल सच्चे देशभक्त थे और उन्होंने लोगों के बीच देशभक्ति की भावना का विकास किया। इसके लिए उन्होंने पत्रकारिता के अपने पेशे का इस्तेमाल किया। उन्होंने स्वराज के प्रचार प्रसार के लिए कई पत्रिकाएं, साप्ताहिक और पुस्तकें प्रकाशित की। महान क्रांतिकारी होने के साथ ही विपिन चंद्रपाल अच्छे लेखक और अच्छे संपादक भी थे। विपिन चंद्रपाल को एक उग्र विचारधारा के पत्रकार के रूप में भी जाना जाता है। विपिन चंद्रपाल एक ऐसे मशहूर पत्रकार थे जिनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई थी। उन्होंने अपनी पत्रकारिता का इस्तेमाल देशभक्ति की भावना और सामाजिक जागरूकता के प्रसार में किया। स्वराज के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कई पुस्तकें प्रकाशित की। उन मशहूर पुस्तकों में इंडियन नेशनलिज्म, नेशनलिटी एंड एम्पायर, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म, द सोल ऑफ इंडिया, द न्यू स्पिरिट, क्वीन विक्टोरिया शामिल हैं। विपिन चंद्रपाल ने डेमोक्रेट, स्वतंत्र और कई अन्य पत्रिकाओं के संपादन की भी जिम्मेदारी निभाई। विपिन चंद्रपाल ने परिदर्शक, न्यू इंडिया, वंदे मातरम और स्वराज के अलावा कुछ और पत्रिकाओं की भी शुरुआत की। वे कलकत्ता में बंगाल पब्लिक ओपिनियन के संपादकीय स्टाफ में भी शामिल थे। 1887-88 में उन्होंने लाहौर से प्रकाशित ट्रिब्यून के संपादक का भी काम किया। वे 1901 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका भारत के संस्थापक संपादक भी रहे। 1906 में उनकी ओर से शुरू की गई पत्रिका वंदे मातरम को बंद कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने नियमित रूप से आधुनिक समीक्षा, अमृत बाजार पत्रिका और द स्टेट्समैन में लेखनी से योगदान दिया। विपिन चंद्रपाल सिर्फ एक अच्छे राजनेता और पत्रकार ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे वक्ता भी थे। वे अपने भाषणों से सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। यही वजह थी कि उन्हें राष्ट्रवाद का सबसे शक्तिशाली भविष्यवक्ता भी कहा गया है।
सच्चे देश प्रेमी विपिन चंद्र पाल ने 1904 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे सत्र, 1905 में बंगाल के विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और 1923 में बंगाल संधि जैसे कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। विपिन चंद्र पाल देश से सामाजिक बुराइयों को दूर करने और राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा देने में प्रभावी रूप से शामिल चंद नेताओं में से एक थे। महान स्वतंत्रता सेनानी विपिन चंद्र पाल उग्रवादी राष्ट्रीयता के प्रबल पक्षधर थे। निर्भीकता उनके विचारों में कूट कूट कर भरी हुई थी। 1907 में जब श्री अरविंदो पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और विपिन चंद्र पाल को गवाही के लिए बुलाया गया तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके लिए उन्हें 6 महीने जेल की सजा भुगतनी पड़ी थी। विपिन चंद्र पाल का मानना था कि दासता मानवीय आत्मा के विरुद्ध है, ईश्वर ने सभी प्राणियों को स्वतंत्र बनाया है। विपिन चंद्र पाल हमेशा राष्ट्रहित में सोचने वाले राजनेता थे। उन्होंने महसूस किया कि विदेशी उत्पादों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो रही है, यहां तक कि लोगों का कामकाज भी छिन रहा है। इसके बाद उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर जोर दिया और लोगों को इसके इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया। विपिन चंद्र पाल का विचार था कि स्वदेशी वस्तुओं पर निर्भरता से भारतीय जनता को गरीबी से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। विपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाज के विचारों से भी काफी प्रभावित थे। उन्होंने विधवा विवाह का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने विधवा से विवाह कर आदर्श प्रस्तुत किया था। वे जातिगत भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। विपिन चंद्र पाल वर्ग धर्म संप्रदाय से विहीन समाज की कल्पना करते थे। वे ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार और सुविधाएं मिल सके। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गरम धड़े के उदय को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आजादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती सालों में गरम दल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, क्योंकि इनकी भूमिका से देश में आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा मिली थी और उनके प्रयासों से देश के लोगों के बीच आजादी हासिल करने के लिए जागरूकता बढ़ी। इस गरम धड़े के उदय में विपिन चंद्र पाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। विपिन चंद्र पाल ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान देश की आम जनता में जागरूकता पैदा करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। जीवन के आखिरी सालों के दौरान विपिन चंद्र पाल ने खुद को कांग्रेस से अलग कर लिया था। वे एकाकी जीवन जीने लगे थे। हालांकि वे हमेशा स्वतंत्र भारत का सपना देखते थे। 20 मई 1932 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही भारत ने अपना एक महान और जुझारू स्वतंत्रता सेनानी खो दिया। उनके त्याग और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। स्वराज हासिल करने के लिए विपिन चंद्र पाल के संघर्षों को लेकर देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। वे अनुनय, विनय और निवेदन करने की बजाय निर्भीकता के साथ अपनी नीतियों के पालन पर भरोसा रखते थे। उग्र विचारधारा के स्वतंत्रता सेनानी विपिन चंद्र पाल के विचारों का लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा था कि तत्कालीन युवा पीढ़ी ने उनसे प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विपिन चंद्र पाल के देश हित में किए गए अतुलनीय योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने स्वराज की जो मौलिक अवधारणा पेश की, आखिरकार भारत ने उसी के अनुरूप स्वराज हासिल किया। उन्होंने देश के राजनीतिक ही नहीं, साहित्यिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी कार्य किए। उन्हें भारतीय इतिहास में एक महान राजनीतिज्ञ के तौर पर ही नहीं, एक प्रेरणादायी समाज सुधारक और शिक्षाविद के रूप में भी याद किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को आम जनमानस से जोड़ने, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने और उसे एक नई सार्थक दिशा देने के लिए उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।